स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आज की एक इम्पोर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम आज की वीडियो में वर्क लेके हैं जी। एक कंपाउंड वाल जो है कैसे प्रस्तर की जाती है, इसे आप बाउंड्री वाल भी बोल सकते हो। कंपाउंड वाल कैसे प्रस्तर की जाती है, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छा वर्क है जो करके दिखाएंगे इस वीडियो में वर्कर। तो अभी वीडियो में आप देख सकते हो कि जे दीवार को जो है मसाला जो है छापना शुरू किया है, ठीक है जी। पहले इसकी प्रॉपर तराई की जाती है। प्लास्टर करने से पहले कोई भी दीवार है, चाहे वो ब्रिक्स की बनी दीवार है, चाहे वो ब्लॉक्स की बनी दीवार है, उसे प्रॉपर उसकी पहले तराई करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो तराई प्रॉपर कर लीजिए। तराई करने के बाद उस पर जो है नेरू लगाया जाता है, ठीक है जी। सो नेरू सीमेंट का घोल से बोल देते हैं, वो सीमेंट को थोड़ा पानी डालिए, सीमेंट में थोड़ा पानी डालकर उसे घोल कर वो लगाया जाता है दीवार पर। और दीवार पर वो लगाने के बाद उस पर जो है मसाला जो है सौंपा जाता है। सो जो मसाला है वो रेत सैंड और सीमेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो वर्कर कैसे मसाला छाप रहे हैं। बिल्कुल मसाला जो है वो मिक्स किया गया एक मसाला है, जैसे रेत सीमेंट मिक्स करके बनाकर दीवार पर छापा जाता है, देख सकते हो अभी वीडियो में। तो बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं आज की वीडियो के, एक प्लास्टर कैसे किया जाता है, कैसे दीवार प्लास्टर की जाती है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी देख सकते हो वीडियो में जो मसाला प्रॉपर छाप दिया गया और उसके ऊपर बाद में जो एक चपटी होती है उसे मारा जा रहा है, एलुमिनियम की चपटी, जो इसको मसाले के ऊपर से थोड़ा लेवल में करने के लिए, इसको प्रॉपर लेवल में साहुल में करने के लिए जो ऊपर ज़्यादा मसाला लगा है उसे काट दिया जाएगा चपटी के साथ, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी वीडियो है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो अभी देख सकते हो वीडियो में जो है चपटी वर्कर ने मारनी शुरू कर दी है, एलुमिनियम की चपटी है, 5 फीट साइज की एलुमिनियम की चपटी होती है जो प्लास्टर पर मारी जा रही है, अभी देख सकते हो। सो ऊपर से जो ज़्यादा मसाला है उसे काट दिया गया है और बाद में इसकी चपटी मारकर थोड़ा इसको फिनिशिंग में लाना शुरू किया है। तो इसी के बाद इसके ऊपर जो है गोल गुरमाली जो है लकड़ी की गुरमाली बनाई जाती है, वो मारी जाती है इसकी फिनिशिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी देख सकते हो इसमें जो चपटी मारने के बाद जो फिल जगह जो बचती है, थोड़ी थोड़ा जगह बचती है ना, वहाँ पर मसाला लगाया जा रहा है। मसाला लगाने के बाद इसके ऊपर जो है फिर एक बार चपटी मार दी जाएगी, चपटी मारने के बाद इसके ऊपर फिर गरमाली मारी जाएगी। सो ऐसे प्रॉपर ये सिलसिला जो है वीडियो में चलता रहेगा, कैसे दीवार को प्लास्टर किया जाता है देख कर आप सीख सकते हो प्लास्टर, और अपनी बाउंड्री वाल जो कंपाउंड वाल है उसे प्लास्टर करवा भी सकते हो, ठीक है जी। हमारा जो चैनल है इस पर जितनी भी वीडियो कंस्ट्रक्शन बेस पर आती हैं, कोई देख सकते हो वीडियो में, बहुत ही अच्छी वीडियो, शानदार वीडियो बनाई गई है। सो जे ब्लॉक्स की बनी दीवार है दोस्तों, ब्लॉक्स की दीवार बनी बहुत ही अच्छी जो है इसकी चनाई की गई है, बहुत ही अच्छी चनाई लगाई गई है ब्लॉक्स की। तो इसी को आज प्लास्टर किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं हम आज। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसी प्रकार से आगे भी देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर की साइड जो है अभी वहाँ पर मसाला छापा जा रहा है मसाला लगाकर। तो इसको भी ऐसे ही किया जाएगा जैसे जे इन लोगों ने जो पीछे प्लास्टर किया ना, वैसे ही ये दीवार को प्रॉपर प्लास्टर किया जाएगा। देख सकते हो अभी वीडियो में आप कैसे वर्कर जो मसाला छाप रहे हैं, ठीक है जी। तो इसे इस दीवार को प्लास्टर करने में, प्रॉपर दीवार को, पूरा दीवार को प्लास्टर करने में 3 घंटे लगे थे। सो वीडियो जो है वो 9 मिनट की है फुल वीडियो। तो अभी आप देख सकते हो कैसे जो है मसाला लगाया जाता है। सो वीडियो की पूरी प्रॉपर स्पीड की गई है ताकि जल्दी से जल्दी जो वीडियो में प्लास्टर कैसे होता है वो दिखाया जा सके। अभी आप देख सकते हो दोस्तों कैसे जो है मसाला वर्करों ने लगा दिया दीवार के ऊपर। तो इसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर जो है चपटी मारी जाएगी, 5 फीट साइज चपटी है, 5 फीट साइज जो है चपटी, वो मिनिमम 5 फीट तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये आसानी से प्लास्टर पर चपटी जो है मार दी जाती है, लेवल में लगती है, सॉल में मार दी जाती है आसानी से। इससे ज़्यादा साइज जो है 6 फीट या 7 फीट वो भी चलता है, लेकिन ये चपटी जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से मार दी जाती है। 5 फीट साइज तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो चपटी चलती है प्लास्टर के ऊपर। सो इस प्रकार से
देख सकते हो अभी कैसे चपटी मारी जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके दिखा रहे हैं वर्कर। एक ब्लॉक्स की बनी हुई दीवार कैसे प्लास्टर की जाए आज की वीडियो में जो हम प्रोसेस जो है आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हो। एक बार फिर रिपीट कर देंगे, प्लास्टर करने से पहले दीवार को प्रॉपर जो है उसकी तराई की जाती है, पानी के साथ तराई कर लें, चाहे वो ब्रिक्स की बनी दीवार है चाहे ब्लॉक्स की, तो तराई ज़रूर करें। और तराई करने के बाद उसके ऊपर जो है नेरू लगाएं, सीमेंट का घोल। सीमेंट का घोल लगाने के बाद उसके ऊपर जो है मसाला प्रॉपर छापा जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ही प्लास्टर जो है एक फिनिशिंग में आता है, एक फिनिशिंग की जा सकती है प्लास्टर की, तराई जो है उसकी प्रॉपर सही हो तो, ठीक है जी। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हो थोड़ा मसाला नरम करके मारा जा रहा है दीवार के ऊपर, जहाँ पर क्योंकि ब्लॉक्स की बनी दीवार होती है जे पानी जो है अपने अंदर कम खींचती है और प्लास्टर थोड़ा ज़्यादा सूखता है, तो उसके ऊपर थोड़ा नरम करके मसाला जो है लगाया जाता है। जहाँ पर खुश्क हो जाता है ज़्यादा, वहाँ पर थोड़ा नरम करके मसाला लगाया जाता है और फिर करमाली के साथ उसकी फिनिशिंग की जाती है। तो अभी देख सकते हो दोस्तों कैसे वर्करों ने, अभी देख सकते हो कैसे नरम मसाला जो है जहाँ पर सूखा हुआ है वहाँ पर नरम मसाला लगाकर बिल्कुल पानी जैसा मसाला बनाकर वो लगाया जाता है और उसके ऊपर बाद में गरमाली मारी जाती है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और चैनल अपना ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। सो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।